खबर बरेली से है। लॉकडाउन के चलते देश के दूसरे राज्यों के मजदूरों की घर वापसी के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत बुधवार को करीब 1000 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लुधियाना से बरेली पहुंची। ट्रेन में बरेली समेत यूपी के अलग अलग जिलों के लोग सवार थे। बरेली जंक्शन पहुंचते ही सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें खाने का पैकेट देकर बसों के जरिए उनके गृह जनपद रवाना कर दिया गया। इन श्रमिकों में उत्तराखंड के भी कुछ मजदूर शामिल हैं, जो बरेली के आसपास के जिलों के हैं। इस दौरान श्रमिकों ने बताया कि लुधियाना में ट्रेन में सवार होने से पहले केवल उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया गया था। द इंडियन समाचार के लिए रियाज अंसारी की रिपोर्ट। ट्रेन आई है, कितने लोग इसमें आए हैं, किस तरीके की सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है? अभी जो ट्रेन आई है आपके सामने, ये ट्रेन लुधियाना पंजाब से आई है बरेली जंक्शन के लिए। इसमें लगभग 1000 के आसपास में लोग हैं, संख्या 1000 अभी हमारे पास आई है। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं अपने बरेली जनपद के हैं, बरेली जनपद के अलावा आसपास के जनपदों के भी इसमें कुछ लोग हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? जो व्यवस्था की गई है, जैसे जो भी लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद में उन्हें खाने के लिए और पानी दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा बस की व्यवस्था की गई है, वो बस में बैठेंगे और जहाँ के भी ये रहने वाले हैं अपने जनपद के, वहाँ पे इनको बसों से छोड़ा जाएगा। जो गैर जनपद के हैं वहाँ भी इनको बसें लेकर जाएगी इनको छोड़ कर। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।